हाय बच्चों, UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बैटरी का MCQ और इसमें बैटरी और प्लस हिंदी के पर्यायवाची MCQ क्वेश्चन 100 प्लस क्वेश्चन हैं और कम से कम समय में आपको ये क्वेश्चन पूरे करवाए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझाया जा रहा है। तो बच्चों, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसको आप जा कर के चैनल पर देख लीजिए। और ये पार्ट टू में MCQ बैटरी का डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग कि क्यों हम सेलों की सीरीज में जोड़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर लिखा है क्यों हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम सेलों को क्या करते हैं, जब बहुत सारी सेलें हैं, इनको मान करके चलिए ऐसे जो है ना, बहुत सारी सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो इसमें धारा का मार्ग तो एक ही हो जाएगा, परंतु सबके लिए वोल्टेज अलग अलग होती है, जो बटा होता है उसी को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे जब हम श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा वोल्टेज अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ दे रहा है, कब हम सेलों को समांतर में जोड़ते हैं। तो सेलों को समांतर में हम कब जोड़ेंगे, अब मान करके चलिए ये सेलें समांतर में इस क्रम में सेलें जोड़ दी गई, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, धारा का मार्ग, जो धारा है यहाँ से सब टोटल धारा गुजरेगी, तो ये करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये कब हम सेलों को समांतर या पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, धारा अधिक चाहिए, तो जब हमको करंट अधिक चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। जब हमको वोल्टेज अधिक चाहिए तो हम सेलों को कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, सबसे पहले लिखा है खाली स्थान सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं है। तो इसमें कौन सी ऐसी सेल है जिसके लिए रासायनिक प्रक्रिया जो है रिवर्सिबल नहीं है। इसके कहने का ये मतलब है कि हम इसमें से कौन सी सेल ऐसी है जिसको हम चार्ज या डिस्चार्ज नहीं, मतलब जो चार्ज और डिस्चार्ज, मतलब बार बार ये प्रक्रिया नहीं अपना सकते। रिवर्सिबल का मतलब होता है एक बार चार्ज करो फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, ये पोजिशन होता है। तो इसमें प्राइमरी सेलों में ऐसा संभव नहीं होता है, ये रॉन्ग हो गया। अब जब पहला रॉन्ग हो गया तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, केवल सेकेंडरी सेल। लेड एसिड सेल और अल्कलाइन जो सेल होती हैं, ठीक है, निकल आयरन और निकल कैडमियम, कौन सी, निकल, ठीक है, निकल आयरन और निकल कैडमियम, ठीक है, जो ये सेलें होती हैं, और कौन सी होती है, लेड एसिड, जो PV, ये लेड एसिड जो ये सेलें होती हैं, इन सेलों के द्वारा, इन सेलों में रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, इनके सेलों को चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के लायक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा, जब एन सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है, और वी इसका वोल्टेज है, सीरीज में इनको जोड़ा गया है, और बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर होकर बहने वाली धारा का सूत्र क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, एक बनाते हैं सेल, ठीक है, और ये हो गई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, यहाँ ये जुड़ गया तुम्हारा कैपिटल आर, ठीक है, और इसमें हो गया ये स्मॉल आर और ई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो आर प्लस और यह क्या कह रहा है, एन सेलों की संख्या, जब सेलों की संख्या है तो ये श्रेणी क्रम में जब जुड़वा रहा है तो बहुत सारी सेलें जब श्रेणी में जुड़ी हुई हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन आर और यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको धारा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज जो है ये श्रेणी में विद्युत भाग बल होगा, ये भी आपका ऐड हो जाएगा, तो विद्युत भाग बल टोटल क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। अब हम जब धारा निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वी बटे आर हो जाएगा, ठीक है, आई इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या निकलेगा, जैसे आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं,
एन और सॉरी जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं यहाँ से, टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं एन आर, ठीक है, और इसमें जोड़ दिए ई आर। अब जो टोटल ई एम एफ निकाल चुके हैं वो कितना, एन ई, श्रेणी क्रम में यही होता है। अब हमको धारा का जब चाहिए तो करंट आई इक्वल टू वी अपान आर, ठीक है, तो वोल्टेज तुम्हारा कितना है एन ई, रेजिस्टेंस कितना है एन आर प्लस कैपिटल आर, ये होगा तुम्हारा श्रेणी क्रम के लिए। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, इसको देखिए जरा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर वन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, यहाँ दिया गया है सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक लोड रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो, क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है कि सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए ताकि बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, जब ये पोजीशन पूछी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया गया है स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का, जब स्थिर हम वोल्टेज प्राप्त करेंगे तो पावर स्रोत का इसमें क्या होगा कि पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध है ये कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण बस सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका रीजन क्या है, यहाँ देखिए धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए, अभी मैंने बताया था इससे आउटपुट वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो इससे आउटपुट वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है, एकदम सही है, ठीक है। लिखा है कि वोल्टेज आउटपुट कम प्राप्त होता है, रॉन्ग, श्रेणी में जोड़ेंगे तो वोल्टेज ज्यादा प्राप्त होगा। इसके बाद आंतरिक रेजिस्टेंस कम प्राप्त होता है, ये भी गलत है क्योंकि आंतरिक रेजिस्टेंस एनआर हो जाता है, ठीक है। करंट क्षमता बढ़ाने के लिए, ये भी एकदम गलत है, करंट क्षमता इससे बढ़ती नहीं, करंट क्षमता जब हम समांतर में से लोग जोड़ते हैं तब बढ़ती है, ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकेंडरी सेल जो सामान्यता उपयोग किया जाता है, तो कौन सी ऐसी सेकेंडरी सेल है जो सामान्यता उपयोग में लाई जाती है, तो जनरली उपयोग में लाई जाने वाली जो सेल है वो कौन सी है, लेड एसिड सेल, जो हम घरेलू उपयोग में भी इन्वर्टर में स्थापित करते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी में एकत्रित होती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन प्लेट क्या बन जाएगी जब बैटरी चार्ज करेंगे, तो लेड परऑक्साइड धन प्लेट बन जाती है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 70, क्वेश्चन नंबर 70 इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 जो है यहाँ पर क्या दे रहा है कि बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाती हैं जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दोनों प्लेटें किसकी हो जाती हैं भाइयों, जब बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाती है तो दोनों प्लेटें जो हैं वो आपकी हो जाती है किसकी, लेड सल्फेट की बन जाती हैं, PbS इसको कहते हैं, ठीक है, PbS लेड सल्फेट की बन जाती हैं, PbS की दोनों प्लेटें बन जाती हैं किसकी, PbS इसकी बन जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है किस कारण बस लेड एसिड बैटरी, ठीक है, में सेपरेटर लगाया जाता है, तो सेपरेटर कहाँ हम लगाते हैं, सबसे पहली तो बात यही है सेपरेटर हम लगाते हैं एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में, ठीक है। सेपरेटर होता किसका है, ये PVC का छिद्रित हो सकता है या फिर रुई का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, ये सेपरेटर है, एक प्लेट को दूसरे प्लेट से लघुपतित होने से बचाने के लिए इसको स्थापित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज हो जाती है, जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाएगी तो सभी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका कि दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बन जाती हैं, PbSO4, ठीक है, PbSO4 एनोड और कैथोड दोनों समान बन जाती है, PbSO4, ये 4 नीचे रहेगा, सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही था। 73 क्वेश्चन नंबर, इसका क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है, ठीक है, एनोड का रंग बदल जाता है, गलत, सेल की वोल्टेज कम हो जाती है, ये भी गलत,
इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, ये सही है। धारा का मान अतिनिम्न हो जाता है, ये भी गलत। अब देखते हैं जो लेड एसिड बैटरी है, इसको जब चार्ज किया जाता है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है या अपेक्षित घनत्व होता है, ये हो जाता है 1280, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ये रहता है 1100 मान लेते हैं, कभी 1100 तो 1105, 1115, 1114 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। 1140 इतना भी मान लेते हैं, तो कभी 1110 मान लेते हैं, तो कभी 1100 मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये 1100 याद रखना, और ये 1280 हो जाता है जो बैटरी पूर्णतः चार्ज हो जाती है डिस्चार्जिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पता लगाएंगे कि लेड एसिड बैटरी पूर्ण चार्ज है। तो पूर्ण चार्ज जब हो जाती है तो ये ग्रेविटी जो इसमें से क्या होती है, वोल्टेज माप सकते हैं टॉन्ग टेस्टर के द्वारा, गैसें निकलती हैं ये भी पता चल जाएगा, और ग्रेविटी से भी पता चल जाएगा, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर अभी मैंने बताया था, इसको हम कितना लेते हैं 1280। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होगा जो बैटरी पूर्ण चार्ज होगी। जो बैटरी पूर्ण चार्ज होगी तो हम 1280 ले लेते हैं, यहाँ 1280 ऑप्शन में नहीं है, तो 1285 आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धन प्लेट और ऋण प्लेट क्रमशः क्या होंगी जो बैटरी पूर्ण चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सी हो जाएगा, लेड परऑक्साइड और शुद्ध लेड, इसकी बैटरी ये प्लेटें जो है ये बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यदि बैटरी चार्ज हो। जब बैटरी चार्ज होगी तो इसका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो गाढ़ा हो जाता है, पतला नहीं रहता है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी की एम्पीयर घंटा दक्षता दर्शाता है। तो आप एक शब्द का यूज करेंगे वाह, ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 75, फिर 85, फिर 95। तो ये हो गई आपकी वाट घंटा दक्षता 75 से 85, और ये हो गई आपकी एम्पियर घंटा 85 से 95। तो 85 से 95 जो है ये ऑप्शन में नहीं है, तो आपका हो जाएगा 90 से 95, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी का आनुपातिक कार्यकाल दर्शाता है। तो लेड एसिड जो बैटरी होती है उसका आनुपातिक कार्यकाल जो है 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 से 5 वर्ष। ही मैंने पिछली जब थ्योरी पढ़ाया तो उस समय इस क्वेश्चन को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्या होगा जब बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है। तो बैटरी जब ओवरचार्ज हो जाती है तो गैसें निकलेंगी, ठीक है, पानी कम हो जाएगा और इसका आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाते हैं। तो हम बैटरी की चार्जिंग का पता हम किसके द्वारा लगा सकते हैं, जो यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, इसके द्वारा हम बैटरी की चार्जिंग का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। तो ये बात अपनी याद रखना, बैटरी को जो आपकी ट्रिकल चार्जिंग के लिए हम लेड एसिड बैटरी को यूज करते हैं, ठीक है, निकल आयरन बैटरी भी नहीं होगा, प्राइमरी सेल को तो एकदम कभी नहीं लगाते हैं ट्रिकल चार्जिंग के लिए, ठीक है। 82 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, जब बैटरी को लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो बैटरी को कितने से अपनी संपूर्ण चार्जिंग धारा, जो चार्जिंग धारा होती है बैटरी की, संपूर्ण चार्जिंग धारा होती है उसकी 2% से 5% चार्जिंग धारा पर इसको जो है लगा करके छोड़ दिया जाता है। तो ये ट्रिकल चार्जिंग लगाई क्यों जाती है, बैटरी की आंतरिक क्षतिपूर्ति के लिए। तो बैटरी को लंबे समय तक ट्रिकल चार्जिंग पर लगा करके छोड़ दिया जाता है तो इसमें आंतरिक क्षतिपूर्ति होती रहती है, ठीक है। अगर बैटरी को यूज में नहीं ला रहे हैं तो उसको, जब बैटरी को यूज नहीं ला रहे हैं तो उसको कम से कम 6 दिनों के अंतराल पर बैटरी को चार्ज करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्न में से किस पर स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है। तो स्टोरेज बैटरी का जो ईएमएफ है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, 83 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में, अभी तुरंत ही बताए थे आपको, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 नंबर का हो जाएगा ये 6 डे, अभी तुरंत ही बताया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा
इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, तो ये होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, और ये 11, 11, 10 से और 12, 80 ये चार्जिंग को दर्शाता है और ये डिस्चार्जिंग को दर्शाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होगा ये क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा ये होगा ग्राम प्रति, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम प्रति कितना हो जाएगा, ग्राम प्रति सीसी, ये सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका हो जाता है मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाएं? तो भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 86 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर सेल को 1.78 से भी नीचे तक डिस्चार्ज कर दिया जाए तो क्या होगा। भाई साहब लिखा जाता है कि बैटरी को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए और उसको 2.2 वोल्टेज तक चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण चार्ज होती है तो ये वोल्ट था और डिस्चार्ज हो जाती है तो ये वोल्ट था रहनी चाहिए। अब ये तो इससे भी कम हो गया तो क्या होगा, प्लेटों पर सरफेसन जमा हो जाएगा, सही है। प्लेट की क्षमता कम हो जाएगी, ये भी सही है। सेल की क्षमता घट जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये भी सही है। उपरोक्त सब सही हो जाएगा, 87 नंबर का जो आंसर है वो डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.23 ठीक है से अधिक हो जाए। तो मैंने कितना बताया कि 1280, जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो इसका 1280 हो जाता है, तो ये 1230 के आसपास यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका कार्यकाल कम हो जाएगा। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व इतना है तो कार्यकाल इसका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए। तो प्लेटों के लेवल से इसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल जो है घट जाएगा तो क्या होगा कि ओपन प्लेट सेल प्लेट सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मान करके चलिए ये बैटरी है, इसकी ये प्लेटें हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का तल अगर ये हो गया तो ये जितनी प्लेटें हैं ये ऊपर की तरफ दिखाई देती रहेंगी, ये सल्फेट में परिवर्तित हो जाएंगी, सही है। क्षमता घट जाएगी, ये भी सही है। कार्यकाल कम हो जाएगा, ये भी सही है। उपरोक्त सब सही है, डी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहना चाह रहा है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट जो होती है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज तक करंट का मान होता है, ये कितना होगा। भाई साहब स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में धारा का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 91 डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होगा जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि, जब स्थिर धारा चार्जिंग विधि का उपयोग करेंगे तो आपका क्या होगा, ये जो वोल्टेज सप्लाई है इसको स्थिर रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रॉड खाली स्थान, रॉड शुष्क सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करती है, तो किसकी रॉड जो है वो धनात्मक प्लेट का, कार्बन की रॉड जो होती है शुष्क सेल में लगाई जाती है जो छड़ के रूप में ठीक है रहती है, ये प्लस होता है, और कंटेनर जो होता है ये किसका होता है, Zn का, ये किसका माइनस का कार्य करता है, और बीच में इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन शुष्क सेल का विद्युत भाग बल दर्शाता है, शुष्क सेल का विद्युत भाग बल दर्शाता है 1.5 वोल्ट, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर दिया गया है, कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। जब सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा नहीं, पावर कुछ नहीं होगा, धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है कि लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं। तो मैंने बताया था एक लेते हैं कंटेनर, इसमें भरते हैं पानी, ठीक है, जब इसमें पानी भरते हैं कितना भरते हैं 3 लीटर, तो एक लीटर की बोतल लाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वैसे में बूंद बूंद करके डालते हैं और इसको मिलाते जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका क्या बन रहा है कि हम पानी में इलेक्ट्रोलाइट को डाल करके, बूंद बूंद डाल करके उसको मिला करके हम
जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करते हैं, H2SO4 होता है ना यहाँ पर, ठीक है, H2SO4 को यहाँ पर हम बूंद बूंद करके पानी में डाल करके मिलाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट तैयार होता है विद्युत अपघट्य। और पानी की मात्रा कितनी रखी जाती है, 3, और इलेक्ट्रोलाइट जो H2SO4 इसकी मात्रा कितनी रखी जाती है, 1। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, 3:1 सही, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला लिखा है कि प्रति सेल वोल्टेज कितना होगा यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो 2.2 वोल्टेज आपका हो जाएगा, जब पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको 1.8 वोल्ट लेते हैं, इससे नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा यदि बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज होगी, तो अपेक्षित घनत्व जो है वो कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा दिया है, अभी मैंने बताया था कि हम 11:10 जनरली लेते हैं, तो 11:10 है नहीं तो हम इससे भी कम लेंगे, तो ये आपका 1.14 इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये किसने दिया गया है, ये SI प्रणाली में दिया गया है, और इसका मात्रक जो है अपेक्षित घनत्व का, जैसे 1.14 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका अपेक्षित घनत्व हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। और जब इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट को लिखा जाए 1140 ऐसे अगर लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये CGS प्रणाली में, ठीक है। तो ये मात्रक था अपेक्षित घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 98 लिखा है कि एक बैटरी की क्षमता जो है 200 mAh है, तो बैटरी पर लगा करोड़, ठीक है, कितना 5 एम्पियर धारा लेता है, सॉरी ये लोड होगा, बैटरी पर लगा लोड जो है 5 एम्पियर धारा लेता है, बैटरी कितने घंटे तक कार्य करेगी, तो कुछ नहीं करेंगे, ये एम्पियर दिया गया है, एम्पियर से एम्पियर हमको खत्म करना है, घंटे आ जाएगा, इसको हम जनरली कैलकुलेट करेंगे क्या, एम्पियर घंटे इक्वल टू कितना दिया गया, 200 दिया गया है, एम्पियर में एम्पियर का वैल्यू रख दीजिए, ये 5 × h = 5 × h, एक बार फिर से देख लीजिए, ये एम्पियर आवर इक्वल टू कितना दिया गया है, 200 एम्पियर में रख देंगे, 5 आवर आपका तैयार हो गया, ये 200 5 से इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा, 5 × 20 आपका आंसर आएगा 40 घंटे, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या दिया गया, कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर रंग प्राप्त होगा, तो ये रंग भाई साहब हरा रंग प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 6 सेलों को जिनमें से प्रत्येक का EMF EO श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, प्रभावी EMF क्या होगा, अगर ये सेलें बहुत सारी ऐसे अगर जुड़ी हैं तो ये श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, EMF को जोड़ लेते हैं, तो ये 6 सेलें हैं तो 6 × E आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, प्रभावी जो EMF है वो हो जाएगा कितना, 6E। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होती है, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं जो PV सेल होती है, लेड एसिड जो सेल होती है, इसमें धनात्मक प्लेटें जो ऋणात्मक प्लेटें होती हैं ये सिरा प्लेटें होती हैं, बीच वाली प्लेटें जो होती हैं ये कैसी होती हैं, बीच वाली जो प्लेटें होती हैं ये प्लेटें होती हैं धनात्मक और ये सिरा प्लेटें होती हैं ऋणात्मक, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो ऋणात्मक प्लेटें होती हैं धनात्मक की अपेक्षा कितनी होती है, N+, जो ऋणात्मक प्लेटें होती है धनात्मक की अपेक्षा कितनी होती है, धनात्मक अगर N है तो ऋणात्मक कितनी हो जाएंगी, N+1, ये ऋणात्मक हो गई, सॉरी ये धनात्मक हो गई, ये हो गई ऋणात्मक, ये है सीसा सेल के लिए या लेड एसिड बैटरी के लिए। अब यही पोजीशन होता है आपका किसके लिए, निकल आयरन बैटरी के लिए भी यही पोजीशन होता है, धनात्मक सेलों की संख्या N, ऋणात्मक की संख्या N+1, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेट से एक अधिक, कहाँ लिखा है, ऋणात्मक प्लेट एक अधिक होती है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ये सब रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक प्रक्रिया अप्रतिक्रम्य नहीं होती कहलाता है, तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल, तो जिसमें जो रासायनिक प्रक्रिया है ये परिवर्ती नहीं, मतलब सेल को हम चार्ज और डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक सेल। बाकी ये लिखा है एडिशन सेल, इसी एडिशन सेल को ही कहा जाता है क्या, निकिल आयरन सेल, ये एडिशन सेल होती है। वोल्टाइक सेल, ये तो पहली सेल जो सबसे पहले बनाई गई थी, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, ये द्वितीय सेल PV होगी, लेड एसिड सेल होगी, इनमें सभी में जो है रासायनिक परिवर्ती क्रिया होती है, चार्ज डिस्चार्ज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा गया है तो संपूर्ण EMF क्या होगा, सेलों की संख्या 4 है, ठीक है, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ रहा तो हम EMF का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 15 × 60 होता है, कितना होगा 60, तो 6.0 मतलब
सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 वोल्ट आपका निकलेगा। अगला लिख लें, अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, एक संचाई सेल में क्या संचित होता है? तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग याद रखना कि संचाई सेल में सदैव रासायनिक ऊर्जा जो है वो संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्षारीय बैटरियाँ निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं, ठीक है, तो ये होती है रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। बैटरी का काम है ये रासायनिक क्रिया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन लिखा है बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी का उपयोग हम जनरली किसके लिए करते हैं? तो बैटरी का उपयोग जो है जनरली हम करते हैं कि विद्युत, क्या लिखा है, विभव अंतर बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसमें एक साइड में ऋणात्मक और एक साइड में धनात्मक प्लेट होती है, ठीक है, तारा नापने के लिए बैटरी कहेंगे नहीं, जो विद्युत विभाग वाले हैं उसको भी नहीं नाप सकते हैं विभव को, और शॉर्ट सर्किट के लिए भी इसका उपयोग नहीं करते, ये तो रॉन्ग दिया है। अगला लिखा है यहाँ पर सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। सेल कोई भी अगर सेल है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का तल हमेशा कितना, जो प्लेटें होती हैं तो प्लेटें इसमें डूबी रहनी चाहिए, तो प्लेटों के तल से ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 जो दिया गया है ये क्या कह रहा है। लिखा है सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण होता है, ठीक है, हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट का कारण जो है सेल में दो रीजन से हो सकता है। नंबर एक, जब बैटरी को हम चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के समय 6 एम्पियर से अधिक धारा ना दी जाए और डिस्चार्जिंग के समय 25 एम्पियर से अधिक धारा ना ली जाए, ठीक है, तो डिस्चार्ज ये है डिस्चार्जिंग के समय, ये है चार्जिंग के समय, इतने एम्पियर से ज़्यादा धारा ना ली जाए और चार्जिंग के समय 6 एम्पियर से ज़्यादा धारा देकर के बैटरी चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर ये पोजिशन फॉलो नहीं होती है तो होता क्या है कि जो आपकी बैटरी है, इस बैटरी की जो प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें क्या होती हैं, अधिक ऊष्मा लेकर के ये प्लेटें आपस में टेढ़ी हो जाती हैं और इनमें आपस में शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। जो ये प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं इनको एक दोष कहा जाता है, इसका नाम होता है बकलिंग। क्या होता है? इनका नाम होता है बकलिंग, ठीक है, ये कहा जाता है। अब और अगली एक और कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है सेंडिमेंटेशन, ठीक है, सेंडिमेंटेशन। तो सेंडिमेंटेशन ये क्या होता है कि अगर मान करके चलिए कि कोई भी प्लेट है इसको हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो कभी चार्ज ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, तो होता क्या है कि ये जो प्लेटें हैं ये किसकी बनी होती हैं, ये लुगदी भर के और हम पीवी की प्लेटें बनाते हैं और ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। तो होता क्या है कि ये जो प्लेटें बनाई जाती हैं, ठीक है, लेड की प्लेटें जो बनाई जाती हैं ये धीरे धीरे टूट टूट करके नीचे गिरता रहता है, ठीक है, जब बार बार इसमें प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो इसका क्षरण, ठीक है, तो ये नीचे गिरता रहता है, लेड जो पीवी शीशा है जो टूट टूट करके नीचे गिरता रहता है और ये होता है चालक, जब नीचे ये गिरता रहेगा एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो यही रीज़न है कि बैटरी की प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं। तो ये टूट टूट करके जो प्लेटों का जो अवशेष टूट टूट करके नीचे गिर रहा है इसी को कहा जाएगा क्या, सेंडिमेंटेशन, जिसके कारण प्लेटें जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लेटों का व्यंकुचन ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जो अभी बताए हैं आपको, जो आपका प्लेटें आपस में टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, एक ये होगा इसके कारण जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। फिर अगला लिखा है धन प्लेटें रेड प्लेटों के बीच लेड कणों का परिपथ में आना या दोषपूर्ण सेपरेटर अगर आपने सही नहीं लगाया है तो भी क्या होगा, आपकी सेल में जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी सही, इनमें से कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी का वोल्टेज, जब बैटरी को डिस्चार्ज किया जाता है तो इतने तक पहुँच जाता है ये वोल्टेज, जब चार्ज किया जाता है तो ये 2.2 होता है, ठीक है, तो यहाँ संभव है कि ये वोल्टेज घट रही है, जब बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो ये घटेगी, चार्ज करेंगे तो बढ़ेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110 नंबर यहाँ पर दिया गया है संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है, जो संचायक बैटरी है इसकी क्षमता हम किसमें व्यक्त कर सकते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी सही, ठीक है। तो बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत धारा दे सकती है, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 111 कार के लिए, ठीक है, लिखा है कारों के लिए कितने एम्पियर घंटा क्षमता वाली बैटरी का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है इसके लिए जो है हम 30 से 60 एम्पियर, वैसे जनरली जो है 40 एम्पियर घंटे की हम बैटरी इसमें यूज करते हैं, तो 30 से 60 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यदि 6 वोल्ट शीशा हमने संचायक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है, बैटरी के लघुपतन के समय जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा कितना, V अपान
आर, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वोल्टेज का वैल्यू 6 है और ये 0.01 हो जाएगा। हम 100 का गुणा अंश और हर में कर देंगे, जब 100 का गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 600, नीचे हो जाएगा 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 600 एम्पियर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि लोड सेल है एक, तो ये लोड सेल जो है फोटोवोल्टाइक सेल होती है, ठीक है। फोटोवोल्टाइक सेल को किसके द्वारा बनाया जाता है, सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शीशा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है, जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं, ठीक है, तो प्लेटों के भार में वृद्धि होती है, गलत, बैटरी के भार में गलत, आपेक्षिक घनत्व में वृद्धि होती है, टर्मिनल वोल्टेज आपेक्षिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व ये तो बढ़ता है भाई साहब, ठीक है। तो 14 नंबर का जो है वो बी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब हम वोल्टेज मापेंगे तो ये भी ऑप्शन का यहाँ, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ सही हो सकता है, क्योंकि जब बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज किया जाता है तो 1.8 वोल्ट और चार्ज किया जाता है तो 2.2 वोल्ट हो जाता है, तो ये भी बढ़ रहा है। तो यहाँ हमारे हिसाब से यहाँ दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर राइट जो है वो ये माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 115, देखते हैं ये क्या कहता है। शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस चीज का बना होता है, जो शुष्क सेल होती है, जो हम घड़ी वगैरह में जो सेल डालते हैं, ठीक है, उसका सेल जो है ये किसका बना होता है, इसका जो ऋणात्मक पोल जो निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ, और पॉजिटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ऋणात्मक वाला है अभी मैंने बताया था ये जिंक का बना होता है, और ये किसका बना होता है, कार्बन का। तो ऋणात्मक कंटेनर जो होता है ये किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, जस्ता, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है कि लेड एसिड सेल की वाट आवर कुशलता किस प्रतिशत में बदली जाती है, ठीक है। तो जो वाट घंटा होती है, अभी मैंने क्या बताया, जो एम्पियर घंटा होती है वो होती है ज्यादा, वाट घंटा होती है वो होती है कम, मैंने कितना बताया था 75 से 85% के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निकल को कहाँ उपयोग करते हैं, तो निकल को हम जनरली बैटरी में, रेक्टिफायर में नहीं, जनरेटर में नहीं, मोटर में नहीं, तो बैटरी जो होती है निकल आयरन बैटरी बनाते हैं, इसको हम एडिशन सेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक लेड एसिड सेल का पावर क्या है, तो एक लेड एसिड सेल का जो पावर होता है, क्वेश्चन नंबर 118 का हो जाएगा डी, 180 सही हो जाएगा वाट, ठीक है, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक लेड एसिड की का ऊर्जा घनत्व क्या होगा, तो लेड एसिड का ऊर्जा घनत्व जो होता है 19 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 60 से 110, ठीक है, वाट घंटा पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज के नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, कई बार मैं अभी बता चुका हूँ आपको, 1.8 इसका सही हो जाएगा। अगला है निकल आयरन सेल किस प्रकार की सेल है, तो निकल आयरन सेल जो होती है ये गीली द्वितीयक सेल होती है, इसका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये H2O होता है, ठीक है, और KOH होता है, इसकी मात्रा 21% लेते हैं, और लिथियम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कि निम्न में से निकल कैडमियम सेल का क्या लाभ है, तो निकल कैडमियम सेल जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही, यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता, तो निकल कैडमियम है, इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 एम्पियर घंटा, ठीक है, तो लिखा है कि 100 एम्पियर घंटा क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पियर का करंट लिया जा सकता है, तो कितने समय तक लिया जा सकता है, अभी आपको बताए थे एम्पियर घंटा बराबर 100, ठीक है, एम्पियर में रख देंगे, 8 घंटे आपका निकल जाएगा, ये हो गया 100, कैंसिल कर दीजिए, इधर आपका 2 बचेगा, इधर आपका 25 बचेगा, 25 में 2 का भाग दे दीजिए, 12.5 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आपका आता है हिंदी का, तो हिंदी के यहाँ पर 50 पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, और आगे भी मैं बता दूंगा कि जो भी आपके UPSC LT G2 के जो परीक्षा होती है, पेपर होते हैं, तो उनमें जो आपका
पर्यायवाची शब्द हैं, ये कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द जरूर कभी कभी एक तो कभी कभी दो दो पूछ लेता है, और इसके बाद विलोम शब्द जो है और बहुत सारी मतलब चीज़ें तद्वो तत्सम वगैरह पूछा जाता है, तो मैं सभी चीज़ आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 या 10 मिनट लगेगा, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में तो ज़रूर पक्का शेयर कर दें। ठीक है, हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग इतना तो कम से कम कर सकते हैं हमारे लिए, तो अपने संस्थान के लिए। तो मैं आपको चलिए देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है, जो मीनाक्षी है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची जो है वो होता है दुर्गा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्न में सॉरी कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो नाग का पर्यायवाची तुरंग नहीं होता है, तुरंग मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, ये लिखा है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दैत्य जो होता है भूसुर, भूसुर का मतलब क्या होता है, ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, भूसुर मतलब पृथ्वी के, सुर मतलब देवता, भू मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता। ठीक है, दैत्य मतलब होता है राक्षस, तो ये सभी राक्षस के पर्यायवाची है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रुख का पर्यायवाची क्या है, तो रुख शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा विपट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्रह्म का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज किसका है, विष्णु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कौन सा शब्द ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है, अभी बता दिए ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो भ्रमर जो है ये क्या, सलभ, ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, चंचरीक है, मिलिंद है और सिलीमुख है या भौरा, ये जो है भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं, सलभ जो है ये पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या लिखा है, गणाधिप, ये नहीं है, शक्र, पुरंदर और मधवा, ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर दिया है हृदय गर्भ, ठीक है, का पर्यायवाची शब्द है, तो ये होता है ब्रह्मा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास का पर्यायवाची नहीं है, तो दास का परिकर, ये दास का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अनुचर, भृत्य और सेवक, ये सभी पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का पर्यायवाची समानार्थी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया यमुना का पर्यायवाची, यमुना का पर्यायवाची जो है वो कालिंदी है। ठीक है, बाकी ये जो है यामिनी वगैरह ये सभी जो है कालिंदनी, ये जो है ये गंगा का है, ये भी गंगा का, ये भी गंगा का, ये जो है यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ये तम, तम मतलब होता है थोड़ा सा अंधेरा होना, ये होता है थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा, ये तम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची जो है ये क्या होता है, मार्तंड होता है, मार्तंड मतलब सूर्य होता है, दिनकर, रवि, भास्कर, भानु और मार्तंड, ये सभी सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो अरविंद शब्द का कौन सा ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मलिंद, ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पंकज है, अंबुज है और जलज है, ये अरविंद है, ये किसके है, ये जो आपका जो कमल होता है उसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो दाम की, दामनी, तड़ित और चंचला, ये सभी बिजली के होते हैं, और ये बितुंडा, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो प्राची जो है इसका पर्यायवाची जो है वो पूर्व होगा। तो बच्चों लोग मैं और आपको नेक्स्ट बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या एन ई डब्ल्यू एस न्यूज, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हो गई चारों दिशाएं। ठीक है, तो ये जब चारों दिशाएं हो गई तो इसमें प्रत्येक दिशा के मैं नाम बता दे रहा, तो जो आपका एन मतलब जो है नॉर्थ, इसका नाम होता है क्या, उदीची, क्या नाम होता है, उदीची, और ईस्ट जो होता है इसका नाम होता है प्राची, अभी आपने लिखा पूर्व दिशा, आंसर भी आपका। ठीक है, और जो वेस्ट होता है इसका नाम होता है अवाची, क्या नाम होता है, अवाची, और जो साउथ होता है, सॉरी साउथ का ये होता है अवाची, और जो बेस्ट होता है इसका होता है प्रतीची। ठीक है, प्रतीची, बेस्ट का होता है प्रतीची, इसका होता है प्रतीची, एक बार फिर से बुला लीजिए, नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, जो उत्तर दिशा का होगा ये होगा उदीची, जो पूर्व दिशा का होगा ये होगा प्राची। ठीक है, और जो बेस्ट मतलब जो पश्चिम दिशा का होगा ये होगा आपका
प्रतीची, ये नीचे लिखिए, ठीक है। और जो दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण दिशा का जो है वो नाम होगा अवाची। तो ये सभी संस्कृत नाम है, ठीक है। और इनमें इस साइड के जो नाम देगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये आपके हिंदी, ये इंग्लिश नाम है और ये मैंने हिंदी लिख दिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं, अगला लिखा है तरंग। तो तरंग का जो है वो पर्यायवाची कौन सी, उर्मी, मतलब तरंग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो जंगल का कानन भी होता है, ठीक है, याद रखना, कानन ये भी जंगल का ही पर्यायवाची है और कलांतर भी जंगल का ही पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध हमारे से मतलब क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20, जीव का पर्यायवाची है, तो जीव का पर्यायवाची हो जाएगा क्या, रसना, रसना मतलब जीभ होता है, जीव, ये रोंग दिए, वचन भी नहीं होगा, ध्वनि भी नहीं होगा, ये सभी रोंग दिए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, अहि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो ये सरीसृप, सरीसृप ये अहि नहीं होता है। नेक्स्ट ये नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक, इस शब्द का पर्यायवाची जो है वो प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक का पर्यायवाची जो है प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ का कर होता है, हस्त होता है, और कटी मतलब हाथ होता है, पड़ी, पड़ी मतलब होता है मुद्रा, ठीक है, तो पड़ी जो है ये मुद्रा का पर्यायवाची है, ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, अभी मैंने बताया था दिनकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, ये सभी, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर और ये विभाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन था। अगला है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो चांदनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, चांदनी का जो है मयंक, ये किसका पर्यायवाची होता है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये चांद का पर्यायवाची होता है, कौमदी, ज्योत्सना और चंद्रातप, ये जो है चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, पद्मा, पद्मा ये किसका पर्यायवाची है, ये लक्ष्मी का होता है, ठीक है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची पद्मा होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। भारती, बीड़ावर्धिनी और महाश्वेता, क्योंकि व्हाइट कलर के कपड़े पहनती है। जनार्दन, ये किसका पर्यायवाची है, जनार्दन जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो समुद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं, जलद, ये बादल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव शब्द का पर्यायवाची, शिव शब्द का जो है वो कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो शिव जो है ये रुद्र, शंकर जी का पर्यायवाची है, ठीक है, रुद्राच नहीं होगा, शिवालय भी नहीं होगा, हरि भी नहीं होगा, रुद्र इसका पर्यायवाची होगा शिव शब्द का। अगला लिखा है लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो लहर का जो है कुदूल, ये नहीं होगा, हिलोर होगा, बिछी होगा और तरंग भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देवता का पर्यायवाची शब्द या देवता का पर्याय, ठीक है, तो बिबुध, ये देवता का पर्याय होता है। नेक्स्ट दिया गया बगीचा, तो बगीचा शब्द का जो पर्यायवाची है आराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तुरंग का पर्याय है, अभी मैंने ऊपर बताया था वज या घोड़ा, तो ये घोड़े का भी होता है, ठीक है, ये घोड़े का पर्यायवाची है और यही घोड़े को वाजी भी कहा जाता है, तुरंग भी कहा जाता है, ठीक है। बिडौजा, इस शब्द का पर्यायवाची ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इंद्र को बिडौजा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मार, मार जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, अनंग, इस शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रसा, रसा किसका पर्यायवाची है, ठीक है, तमिश्रा, इसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची जो है वो केसरी हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं ये होता है शेर, ठीक है, क्या होता है, शेर के पर्यायवाची है। अगला लिखा है षटपद, जो षटपद होता है ये क्या होता है, भौरे के छह पैर होते हैं, षटपद भौरे को कहा जाता है, ये भौरे का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट लिखा है कि मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, जलोदरी मछली को पर्यायवाची नहीं होती, सफरी मतलब मछली होती है, झस, एक शब्द और है कौन सा है, झस, ये भी मछली का ही पर्यायवाची है। आपको झस जो है वो इस भाषा में लिखा मिलेगा, आप पहचान लेना, ठीक है, ये मछली का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर लिखा है कि मछली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो भानु जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची ये नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।